Assalamu alaikum student. Our today's topic is paleotrophy. As we all know student, in our last lecture we have studied about the gene interaction. Interaction which is of how many type? Two type. We have studied about gene interaction which is of two type. First is intragenic, another one was intergenic. Now intragenic, another name जो उसका दूसरा नाम है intragenic is also known as interallelic. And what about intergenic? It is also known as non-allelic. तो ये चीज हमने पढ़ चुके थे. इसके अंदर हम लोग ने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे. इंट्राजेनिक के एग्जाम्पल्स क्या था? इंट्राजेनिक का एग्जाम्पल था पहला हम लोग ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दूसरा कौन सा पढ़ा था? को डोमिनेंस. और तीसरा मल्टीपल एलील्स. तो ये चीज हमने कंप्लीट कर चुके थे. जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू कि हमने आप अभी तक क्या पढ़ा और आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन से जीन इंटरेक्शन का टॉपिक है. तो हम लोग ने ये देखा कि जो जीन इंटरेक्शन दो टाइप के थे और उसमें पहला जो था इंट्राजेनिक जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, को डोमिनेंस था और मल्टीपल एलील था वो हम पढ़ चुके हैं. अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एलीलिक. तो ये सब हम लोग ने पढ़ा. आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और उसका जो एग्जाम्पल है जैसे ये सब एग्जाम्पल्स थे. इसका एग्जाम्पल्स जो है वो कौन सा आज हमें पढ़ना है? पेलियोट्रॉफी. तो पेलियोट्रॉफी आज पढ़ना है हमें. और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे कम से कम चार. जैसे पेलियोट्रॉफी था, पॉलीजीन्स था, एपिस्टेसिस था, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन्स था. लेकिन ये सब चीज आप उन्होंने हटा दी है. सिर्फ और सिर्फ पेलियोट्रॉफी के बारे में आपको आपके जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है सिर्फ उसके बारे में उन लोग ने बताया है. तो हम लोग भी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे. बाकी याद रखो कि उसका जो डिविजन है वो चार एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. पेलियोट्रॉफी क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि कभी जैसे मेंडल्स क्या मानता था कि वन जीन वन ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स. और वन जीन को उसने नाम दिया था फैक्टर. एज वी नो कि मेंडल्स ने जो जीन थे उनके बारे में उसको पता चल गया था, लेकिन उसको नाम क्या दिया था? फैक्टर. में बाद में वही फैक्टर को रिप्लेस किया गया विद द टर्म जीन्स. ठीक है, तो मेंडल्स का क्या बोलना था कि वन जीन वन ट्रेट, मतलब एक जीन एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वन जीन कैन कंट्रोल टू और मोर देन टू कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, तो बाद में ये पता चला कि मेंडल्स का जो कहना था कि वन जीन वन ट्रेट को कंट्रोल करता है, बाद में जो मॉडिफिकेशन आया, बाद में जो रिसर्च हुई, फाइंडिंग हुई, तो उसमें पता चला कि कभी कभी ऐसा भी होता है, समटाइम्स अ सिंगल जीन्स कैन कंट्रोल टू और मोर देन टू कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. और इसका एग्जाम्पल अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में. तो ये मेंडल्स का कहना था. तो मेंडल्स का जो कहना था वो ये है, बात की फाइंडिंग ये है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? नियो मेंडलिज्म या फिर पोस्ट मेंडलिज्म में हमने पढ़ा था इस चीज को. अब आगे की चीज अब हम पढ़ेंगे कि भाई मेंडल्स का तो इसका एक एग्जांपल है. हम लोग किसका लेंगे? एग्जांपल इज सिकल सेल
एनिमी, ठीक है, सिकल सेल एनिमी। तो अभी हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट, ये टॉपिक हमारा हुआ। अब उसके आगे हम लोग ने क्या दिया है कि सिकल सेल एनीमिया का बारे में हम लोग ने थोड़ा बताया है। लेट्स स्टार्ट नाउ विद दैट। ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉफी का। उसमें हम लोग ने बताया है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है, एक एबनॉर्मल डिजीज है, एक मतलब डिसऑर्डर है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। मतलब इट इज ए हेरिडिटी डिसऑर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हो कि जो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, पहले सबसे पहले बताना है कि वॉट इज एनीमिया। एनीमिया इज लैक ऑफ इनाफ ब्लड। इसका मतलब क्या, खून की कमी हो जाना। बॉडी में खून की जो कमी हो जाती है उसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिक हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास अक्सर जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जबान दिखाओ, फिर आंख इस तरह से ऊपर करके देखता है, फिर नाखून को देखता है और वो फिर बताता है कि आप एनीमिक हो के नहीं। अगर आपका हाथ सफेद है और जबान एकदम सफेद है, आंख ऊपर करके देखा वो सफेद है, तो बोलेगा एनीमिक हो आप। और अगर पिंक है, नील वेल देख के बताता है, तो उसको बोलते हैं इसका मतलब वो एनीमिक नहीं है। तो समझ में आया एनीमिक। अच्छा, एनीमिक खून की कमी क्यों बोलते हैं एनीमिक। अच्छा, सिकल सेल एनीमिक किसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, राउंड होता है, स्फेरिकल होता है। और बाकी जो फीचर्स मालूम है उसकी, लाइफ उसकी लाइफ स्पैन कितनी है उसका, अन्यूक्लेटेड होता है, वो सब तो हम लोग ने सर्कुलेशन में हमने पढ़ा ही है। तो अभी यहाँ पे देखो, आरबीसी जो है वो ये शेप का होता है, और जो पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसका आरबीसी जो होता है वो सिकल शेप हो जाता है, क्रिसेंट शेप। आप देख सकते हो, या फिर हाफ मून भी बोलते हैं, हाफ मून शेप। इसका मतलब यह हो गया कि उनका जो आरबीसी है वो एबनॉर्मल शेप ले लेता है। कैसे ले लेता है, आइदर क्रिसेंट शेप ले लेता है। सिकल क्यों नाम दिया गया, आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर जो खेती बाड़ी करते हैं तो उनके पास एक खुरपी जैसी रहती है, तो वो इस शेप की होती है और यहाँ पे वो हाथ पकड़ने का रहता है जिससे वो लोग घास और अनाज अपने काटते हैं, तो वो उस नाम से सिकल, उसको सिकल भी बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया द बिकॉज ऑफ इस शेप, आप हम बोल सकते हैं क्रिसेंट शेप आरबीसी, या फिर क्या हो जाएगा हाफ मून। ये नॉर्मल है, दिस इज व्हाट नॉर्मल आरबीसी एरिथ्रोसाइट, और रेड ब्लड कॉर्पर सेल्स का है ये, और एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर इसका शेप ऐसा होता है या हाफ मून होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से नॉर्मल लीड करते हैं ये लाइफ। जो पर्सन को ये सिकल सेल एनीमिया है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल लाइफ लीड करेगा, लेकिन जब कभी भी कुछ बड़ी गैदरिंग है और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है वहां पे, तो तब उसको सफोकेशन होता है, फील उसको होता है और सफोकेशन होता है, तो वो टाइम उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है कंपेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, पीलियोट्रॉफी का। और उन लोग ने पीलियोट्रॉफी को कैसा बोल रहा है, व्हेन अ सिंगल जीन्स कंट्रोल टू और मोर देन टू ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक उसका वो करेगा, और तो उसको क्या बोलते हैं, पीलियोट्रॉफी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल मैंने बताया, आप देखो सुनो आगे। अगर हम ये प्रॉब्लम कब आता है, जब दो कैरियर को आपस में क्रॉस करवा दिया है। व्हाट इज कैरियर, अभी मैं इसको बताता हूं। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया कैसे पता चलेगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ये शेप देखने को मिल जाएगा। अगर वो अफेक्टेड पर्सन है, वो अफेक्टेड पर्सन रहेगा तो उसके अंदर देख जाए। तो वेरी सिंपल टेस्ट, नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टेस्ट टू कैरी आउट, और सिंपल से सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड कैन रिवील वेदर द पर्सन इज ए सिकल सेल एनीमिक और नॉट। ठीक है, अब देखो अब सिकल सेल एनीमिया जो होता है, पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल
नॉर्मल। और इसमें हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उसको उसके ऊपर अफेक्ट गिरता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज द वन विच कैन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस वजह से होता है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी जो होता है उसको एच बी ए नॉर्मल आरबीसी को कौन कंट्रोल कर रहा है, HbA और HbA जीन्स, और ये जो सिकल सेल एनीमिया है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, HbS, ये दिख रहा है और ये नॉर्मल। तो नॉर्मल आरबीसी क्या है, HbA, बिकॉज ऑफ HbA नॉर्मल आरबीसी इज बीन फॉर्म्ड, और एबनॉर्मल जो बन रहा है सिकल वो किससे बन रहा है, HbS। अब अगर हम एक क्रॉस करवाएंगे, व्हेन देयर इज ए क्रॉस बिटवीन टू कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, व्हाट विल हैपन, तो व्हाट विल हैपन, नाउ जस्ट हैव अ लुक, HbA HbS, when there is a cross between HbA and HbS, ये दोनों कैरियर हैं। कैरियर मतलब क्या, without affecting their self they can carry, क्यों, आपको रीजन मालूम है कि कोई भी चीज को हार्मफुल होने के लिए दो रेसेसिव जीन्स होना जरूरी है। अभी यहाँ पे सपोज ये रेसेसिव जीन्स है लेकिन ये तो डोमिनेंट जीन्स है, उसने उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया, उसकी एक्टिविटी को मास्क कर दिया, इवन दो द पर्सन इज कैरियर बट दे रिमेन यूजुअली रिमेन अनअफेक्टेड, और लेकिन कॉम्प्लिकेशन अराइज व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन दिस टू कैरियर। तो अब देखो यहाँ पे HbA HbS इनटू HbA और HbS, अब ये तो पेरेंट्स थे, ये तो पेरेंट्स थे, जब गैमेट्स बनेगा तो आपके मालूम है HbA अलग हो जाएगा, HbS अलग हो जाएगा, क्यों अलग हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द गैमेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और यहां पे भी HbA और यहां पे भी HbS, ठीक है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लो, अगर फादर का एक गैमेट, और क्यों हमने ये लिया, क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है, गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड, अब वो किससे कॉम्बिनेशन करेंगे, टू रीस्टोर द डिप्लॉयडेसी, टू रीस्टोर द डिप्लॉयडेसी ऑफ एन इंडिविजुअल इट हैज टू बी ये जायगोट बनना जरूरी है। देखो यहां पे ये पहला कॉम्बिनेशन HbA HbA, ठीक है, इसी का इसके साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी, HbA HbS हो गया, फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन HbA, ठीक है, HbA और HbS, फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन HbS, कहीं भी ले सकते हो, ऊपर अगर मैंने लिया तो ये ऊपर भी ले सकते हो और नीचे ले सकते हो, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, तो सब सेम ही है मैंने जो लिखा है, और यहां पे भी HbS। अब ये चार कॉम्बिनेशन है, आप जिसको बोल सकते हो F1 जनरेशन। अब अगर आप देखोगे इनको इन कॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल होंगे, दिस विल बी ऑब्सोल्युटली नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोजेनी, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड, ये और ये सेम है, इसका मतलब दे आर कैरियर, ये नॉर्मल चाइल्ड, ये कैरियर चाइल्ड, और ये जो होगा क्योंकि होमोजाइगस रेसेसिव आ गया है, इस वजह से क्योंकि दोनों रेसेसिव हो गए जो कि वेरी वेरी हार्मफुल एंड इट प्रूव टू बी फेटल, फेटल मतलब जानलेवा, लीथल हो जाता है, जिसके वजह से द पर्सन विल नॉट सर्वाइव एंड इट विल डाई, तो ये यहां पे डेथ हो गई। तो अब यहां पे रेशियो हमारा कैसा आना चाहिए था, रेशियो हमारा आना चाहिए था 3:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल, 3:1 किसका है, मेंडल्स का रेशियो हमेशा ऐसे ही आया था, जिसमें चेकरबोर्ड मेथड अपने किया था तो उसमें हमेशा ऐसे ही आया था,
कि जब रेशियो आया था वो क्या आया था 3:1, लेकिन यहां रेशियो क्या आ रहा है, ये 2 और ये 1, तो 2:1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा रेशियो जो आना चाहिए था 3:1, लेकिन आ कितना रहा है 2:1, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है पीलियोट्रॉफी, जिसमें ए क्यों कम हो गया, बिकॉज ए वन कैन नॉट सर्वाइव, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग मतलब वो कंटिन्यू और टू लिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें अंदर जब होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स एक साथ आ जाती हैं, तो इट प्रूव टू बी फेटल और वो जानलेवा बन जाता है, जिसके वजह से वो सर्वाइव नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल था हमारा पीलियोट्रॉफी का, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, होप यू हैव अंडरस्टूड। वापस एक बार जल्दी से बता देता हूँ, पीलियोट्रॉफी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अ सिंगल जीन्स कैन कंट्रोल 2 or more than 2 कैरेक्टर। तो यहाँ सिंगल जीन्स का जो था इसमें 2 है, HBA HBL, 2 टाइप हो गए, और वो यही जो है वो आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल दे रहा है, एक कैरियर दे रहा है, और एक क्या दे रहा है, इसका मोर देन 2 हो गया, जिसमें एक सर्वाइव नहीं करता। तो यहाँ के क्या बोला है कि द रेशियो इज क्वाइट डिफरेंट, इंस्टेड ऑफ रेशियो 3:1 इट इज हैविंग 2:1 बिकॉज 1 कैन नॉट सर्वाइव, तो एक में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये एग्जाम्पल है इसका बेटा, सिकल सेल एनीमिया का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें और ज्यादा नहीं दिया, हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस, जो आपके बुक में आप मेंशन नहीं किया गया है, तो व्हाई टू वरी, व्हाई टू स्टडी अबाउट दैट, और उसके बारे में हमको समझना भी नहीं है, क्योंकि आप वो क्या है वो है नहीं, दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। और फिर पॉलीजीन्स था, फिर इसमें एपिस्टेसिस था, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट जीन्स था, तो वो चीज सिर्फ याद रखना है कि और भी है इसके एग्जाम्पल, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में महाराष्ट्र बोर्ड में दिया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो हम देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा हाँ, अच्छा थोड़ा सा और इसका सिग्निफिकेंस भी बताया है। क्या इसका सिग्निफिकेंस बताया है, कि सिंगल सेल एनीमिया इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या, HBS HBS ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो उनको बोला गया इट प्रूव टू बी लीथल, जो हमने पहले बोला फेटल वर्ड भी यूज करते हैं लीथल। अच्छा इंस्टेड, और उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1, रेशियो क्या होगा 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1, याद रखना। द रेशियो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि द रेशियो ऑफ द पीलियोट्रॉफी इज, द रेशियो ऑफ द पीलियोट्रॉफी इज 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1, याद रखना। ठीक है, दूसरा और क्या हम लोग ने बोला है, तो इससे हमको एक क्या है जो सिग्निफिकेंस मिलता है, कि अगर कोई अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज जैसे अरेंज मैरिज है, और पता चल गया कि दोनों पर्सन जो है वो दोनों कैरियर हैं, तो इसको हम लोग ऐसी मैरिज को क्या कर सकते हैं, डिसकरेज कर सकते हैं। इसका मतलब कि नहीं, उनको काउंसलिंग करके डॉक्टर के जरिए या किसी एक्सपर्ट के जरिए काउंसलिंग करके उनको बताया जाए कि देखिए आप भी जो है कैरियर है, और आपका जो पार्टनर है वो भी कैरियर है, और अगर मैरिज अकर होता है तो देयर इज ए चांसेस, क्योंकि ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, आइदर द चाइल्ड में हैव नॉर्मल और द चाइल्ड में बी कैरियर, और देयर इज आल्सो अ चांसेस द चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव, बिकॉज डिपेंड्स कि कौन सा गैमेट्स दोनों का फ्यूज हुआ है। तो ये याद रखना। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बुक में दिया गया है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया, ये ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिलता है, जिसका नाम है सूटन एंड बोवरी। तो इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय सूटन एंड Sutton and Bowery, right? Sutton and Bowery.
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, अभी हम बताएंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लो, क्रोमोसोम्स के बारे में इतना क्लियर नहीं था, मेंडल्स के टाइम क्रोमोसोम्स के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी तो काफी बाद में हुई है, बस मेंडल्स ने कहा कि समथिंग इज देयर व्हिच इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड ही कॉल्ड दैट समथिंग टू बी अ फैक्टर, लेटर ऑन दिस फैक्टर इज रिप्लेस बाय द टर्म जीन बाय जोहानसन, दैट वी ऑल नो स्टूडेंट. Now we proceed here that the chromosomal theory of inheritance was put forth by two scientists known as Sutter and Bowrey. What were their discoveries? Chromosomal theory kya hai? Jaise chromosomal theory mein sabse pehle pata chala ke chromosomes are visible only during the cell division. Chromosomes kya hai? Wo visible ho sakte hain only during the cell division, otherwise you will not be able to find. What are the location where the chromosomes are being found? The chromosomes are found in the nucleus. फर्स्ट क्रोमोसोम्स क्या सेल का साइकिल है? हाँ, सेल के साइकिल में स्टेजेस होते हैं कि अगर आप क्रोमोसोम्स को देखना है तो आपको प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज में आप देख सकते हो, प्रोफेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक नेटवर्क थ्रेड का तरह नजर आएगा जिसका नाम है क्रोमैटिन. बाद में वो शॉर्ट एंड कंडेंस होंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इंटू थिक एंड शॉर्ट क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर जो उसके आर्म्स होते हैं उसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. ये सभी चीज जो समझाने वाले थे वो कौन थे? सुटन एंड बोवरी. तो इसीलिए उन्होंने बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फिर क्रोमोसोम्स बना काय का है? द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए जो है वो एक तरह से जेनेटिक मटेरियल है, ये भी उन्होंने ही बताया, दिस कम्स अंडर. और फिर क्रोमोसोम्स के अंदर एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है, डुप्लीकेशन होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. दिस ऑल कम्स अंडर द वी कॉल एज ए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल टुगेदर सिक्स पॉइंट्स हमको रिमेम्बर करना है कि उनकी जो डिस्कवरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वो क्या है. लेट्स स्टार्ट नाउ विद दैट. सबसे पहला है क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स के जरिए ही जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, और यू कैन से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सर्टेन फीचर्स, सर्टेन कैरेक्टर्स पास होते हैं. आपने देखा होगा टॉल फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर सभी टॉल हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग भी टॉल ही हो रही है. ऐसी फैमिली जो बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन रखते हैं या डार्क कॉम्प्लेक्शन रखते हैं, उनकी फैमिली के अंदर अक्सर ज्यादातर यही देखे जाते हैं. तो दैट मीन्स वी कैन से द क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. अब क्रोमोसोम्स कहाँ है वो सब हमको मालूम है. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो भी जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, हु यूजुअली कैरी दिस मटेरियल? क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है गैमेट्स. गैमेट्स में क्या आएंगे? आइदर स्पर्म या ओवा, अगर एनिमल लेते हैं स्पर्म और ओवा. द गैमेट्स कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स, दे कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो द गैमेट्स, अब गैमेट्स का भी हम लोग ने पढ़ा कि गैमेट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, आइदर स्पर्म्स और ओवा. तो द गैमेट्स, आइदर स्पर्म्स और ओवा आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, और कैरी हेरिडिटी मटेरियल. सो दे आर द लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. सो they are the link between the parents and offspring. Child progeny उसको हम बोलते हैं. तो they are the link between the parents and offspring. ये हमारा हो गया second point. Now third point, they are the link between the parents and offspring. Third is nucleus of the gametes contain chromosomes. Nucleus of the gametes contain chromosomes. इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर ये स्पर्म है,
अगर ये स्पर्म है, आपने देखा अगर स्पर्म का डायग्राम दिख रहा है, हाँ मेरा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्पर्म है और ये स्पर्म के अंदर यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है क्रोमोसोम से, अगर ये ओवा है तो ओवा के अंदर ये क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये क्रोमोसोम्स है, तो द न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स, तो गैमेट्स ये स्पर्म एंड ओवा हमने अभी किया, द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स के अंदर स्पर्म्स एंड ओवा था, और ये स्पर्म्स एंड ओवा का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ फोर्थ पॉइंट, ये सब बताने वाले, क्योंकि वो टाइम जैसे अभी हम लोग ने देखा वैटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर फिर उन्होंने बताया, तो ये सब डिस्कवरीज थी जो मिलती जा रही थी और इजी पड़ रहा था आपको, अब न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स सोमैटिक सेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया सोमैटिक सेल या फिर डिप्लॉइड सेल या फिर डिप्लॉइड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं टू एन नंबर, तो याद रखो कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादातर क्या हो जाते हैं फाउंड इन पेयर, जैसे सोमैटिक सेल बॉडी सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ऑटोसोमल जैसे क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, अगर हमारी ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 44 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और एक जो पेयर होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है जिसकी वजह से बेबी बॉय या बेबी गर्ल होती है और बाकी के जो है बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और ये ज्यादातर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या जैसे हमारे में कितने क्रोमोसोम्स हैं 46, तो 46 कितने पेयर हो गए 22 पेयर्स, ठीक है, तो हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी डिप्लॉइड है, अभी पढ़ा थे पेरेंट्स क्या है 46, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा 46, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो 23 बनेंगे, समझ गया, फिर ये 23 फ्रॉम 123 फ्रॉम द फादर 123 फ्रॉम द मदर, फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइडेसी जो है रिस्टोर हो जाती है, ठीक है, ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर, हाँ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं मियोसिस, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, मतलब जैसे ये ज्यादातर जो सेक्स सेल्स डिवाइड होते हैं तो मियोटिकली होते हैं, माइटोटिकली नहीं होते हैं, मियोटिकली मतलब द नंबर्स रिड्यूस हाफ, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, जिसके वजह से ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर, दे पेयर लेंथ वाइज, फॉर व्हाट पर्पस दे पेयर लेंथ वाइज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ए क्रोमोसोम्स बी के अंदर कुछ अपने जीन्स को डाल देता है, बी क्रोमोसोम्स ए के अंदर अपने जीन्स को एक्सचेंज कर देता है, जिसके वजह से वेरिएशन आता है, क्या आता है लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस दैट इज मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स एंड विच लीड्स टू वेरिएशन, तो ये डिफरेंस आता है, देखो नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, इवन जो ट्विंस होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, और ये जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट, डिफरेंस अलग जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंटली गैमेट्स कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर, जो गैमेट्स होते हैं अभी जैसे गैमेट्स ये गैमेट्स है तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 और इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं 23, तो 23 मिलके क्या हो जाएंगे फ्यूजन होंगे, गैमेट्स फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं जायगोट बनाते हैं, तो जायगोट जब बनाते हैं तो कितने हो गए वापस 46 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिप्लॉइडेसी इज मेंटेन्ड, ठीक है, ये सब किसने बताया स्वीडन एंड बोबरी ने, और उसके बाद लास्ट जो है वो सिक्स्थ पॉइंट जो है बताया फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्ड एट डिप्लॉइडेसी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है रिस्टोर, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, जब ये ओवा और एग का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन रिस्टोर, द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हूम, बाय सुचन एंड ओबरी। अकॉर्डिंग टू देम द क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। उन लोगों ने सबसे पहले बताया कि ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो कि जेनेटिक मटीरियल को कैरी करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। सेकेंड, गैमेट्स जो होते हैं, चाहे वो गैमेट्स हमें मालूम है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स आर सेड टू बी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर सेड टू बी ओवा, एंड दे कैरी द हेरिडिटी कैरेक्टर्स, दैट मींस दे कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दे आर एक्चुअली द लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, क्रोमोसोम्स, गैमेट्स। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम। जो गैमेट्स होते हैं ओवा एंड स्पर्म, उनका एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयर्स में होते हैं, लेकिन जब गैमेट और डिप्लॉइडी होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन उनमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, हाफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डॉटर सेल, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक तरह से वापस ये नंबर को रिस्टोर करता है, अदरवाइज वो तो हाफ होते चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस व्हाट वी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और आज पीडियोट्रॉफी भी पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो है क्रोमोसोम्स।